हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। दोस्तों, मेरे भाई जो देखने वाले व्यूवर हैं, जो मेरे भाई देखने मेरी वीडियो देखते हैं, उन्होंने कुछ जो है मैसेज लिखते हैं, लेकिन मैं जो है कुछ मैसेजों का जवाब दो आज इस वीडियो में जो मैं आपको दो मैसेजों का जो इस वीडियो में जो है मैं आपको दो मैसेजों का जो जवाब दूंगा। दो कमेंट करे हैं मेरे देखने वाले भाइयों ने, मैं इस वीडियो में जो है दो कमेंटों का जो है जवाब दूंगा। एक किसी भाई ने मुझसे पूछा है कि भाई मेरी मुर्गी जो कुड़क हो गई है, मैं क्या करूं? अब कुड़क मुर्गी तो हो गई है भाई की, और उसमें क्या करना है? कुड़क से हटानी है, मुर्गी को अंडे के ऊपर बिठानी है, करना क्या ये नहीं बताया। लेकिन जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, जैसे कि मौसम चल रहा है, ये मौसम मुर्गी को जोड़े लगाने का है, मुर्गियों से अंडे लेने का है, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो है अपने शौक को पूरा करने के लिए बच्चे प्राप्त करने का, मुर्गियों से अंडे हैच कराने का। तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा मेरे भाई ने कि मेरी मुर्गी मुर्गियाँ जो कुड़क हो गई हैं, मैं क्या करूँ? मैं बताता हूँ भाई साहब, आपके पास एक मुर्गी है, दो मुर्गी हैं, ये जितने भी आपके पास दो चार मुर्गी भी जो भी हैं वो कुड़क हो गई हैं, तो उन्हें जो है आप किसी जो है और मुर्गियों के साथ छोड़ दें, बिल्कुल भी बैठने ना दें। अगर हो सके जैसे कि उनका एक दड़वा है, पिंजरा है, या एक जाल है छोटा बड़ा, जैसे कि मेरा जाल है एक, तो मैं जो मेरी मुर्गियाँ कुड़क हो जाती है तो मैं उसे जो मुर्गे के साथ डाल देता हूँ, मुर्गे के साथ जो एक जगह बांध देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ताकि मुर्गा उसे बार बार परेशान करेगा, उसे बैठने नहीं देगा, तो उसके दिमाग में जो कुड़कपने का जो हार्मोन्स जो रिलीव हो रहा है ना, वो जो बीमारी उसके दिमाग में इकट्ठा हो रही है अंडे हैच करने वाली, तो वो जो है वो कुड़क से दो चार दिन में जो है हट जाएगी। एक तो ये तरीका हो, क्योंकि उसे जो ना उसका ध्यान सारा उस बचने की तरफ लगा रहेगा। एक तो ये तरीका, अगर मौसम होता सही, थोड़ा गर्मी मौसम होती, जैसे कि अभी 2 महीने पहले जून जुलाई का अगस्त का महीना भी होता, तो आप जो उसे दो बार नहवा देते, उसकी जो कुड़क हट जाती। एक तो ये तरीका है, आप जो है उसे मुर्गी के साथ जो है किसी जब पिंजरे में या दड़वे में जो है उसे बंद कर दें, तो इस तरीके से जो है आप जो है उसकी कुड़क जो हट जाएगी। एक तो ये तरीका है। एक मेरे दूसरे भाई हैं, देख उन्होंने जो कमेंट करके मुझसे पूछा है कि मेरे मुर्गा जो है 4 महीने के हो गए हैं, दुम और पर जो है कंप्लीट नहीं आ रहे। ये कुछ मैसेज था मेरे भाई का, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मुर्गा जो 4 महीने के बच्चे हो सकते, 4 महीने के बच्चे होंगे, तो जो है वो दुम पर जो कंप्लीट नहीं आ रही। मेरे भाई, मेरे पास भी एक बच्चा था, वो 4 महीने का हो गया था, उसके जो दूसरे भाई थे वो अच्छे खासी पूँछ निकाल रहे थे, लेकिन वो दूसरे मुर्गे के क्रॉस थे, लेकिन जो दूसरा मुर्गा मैंने दूसरी मुर्गी से लगा रखा था, उसके साथ के बच्चे, जैसे एक ही बैच में बच्चे निकल आते हैं, अंडे दूसरी मुर्गियों के होते हैं, ये मसला था कुछ। जैसे 2 मुर्गियों के अंडे होते हैं, एक मुर्गी से निकाल लेते हैं, ये मसला था। जो उसी बैच के जो बच्चे थे, एक बच्चे ने तो अच्छी खासी ग्रोथ ठीक ठाक पकड़े, दोनों एक सेम बॉडी हाइट, दोनों बराबर चल रही है, लेकिन जो है एक के जो है पूँछ पर ठीक ठाक निकल रहे थे, एक के नहीं निकले थे। लेकिन भाई ये कोई मसला नहीं है, इस जो 2-4 महीने के बच्चे हैं उन्हें जो आप पूँछ पर ध्यान ना दें, उनकी पूँछ नहीं आ रही या दुम नहीं आ रही, उस पर जो ध्यान आप ना दें, सिर्फ ध्यान देना आपको उसकी खुराक पर, उसकी जो अच्छी से अच्छी जो आप उसे खुराक दें, हरे पत्ते वाली, प्रोटीन वाली, कैल्शियम वाली, इस तरीके का आप जो है उसके फीड पर जो तरह तरह का बदल बदल के जो आप उसे फीड दें, इस बात को जो है, रही बात पूँछ की और दुम की, परों की या परंद होने की, वो जो समय आएगा 4-5 महीने के बाद का, जो आप उसे 5 महीने के बाद उसे डिवॉर्मिंग करेंगे, डिवॉर्मिंग करने के बाद आप फिर दोबारा जो उसे एक अलग तरीके की खुराक देंगे, जो कि इस समय जो गर्म खुराक चलेगी, सर्दियों का मौसम है, तो उसकी पूँछ पर तो जो भाई साहब अपना आप ही निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ आप जो है उसे खुराक पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप जो है चैनल के साथ इस तरह से जुड़े रहिए।